और चलिए अब विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं। तवांग में टेंशन के बीच देश में सेना को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तवांग के संदर्भ में भारतीय सेना पर एक बयान देकर विवादों में फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा कि वो हमेशा से भारत की बहादुर सेना को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी का यही चरित्र है, उनका यह बयान राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला है। बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का चरित्र जग जाहिर था। तो वहीं मैनपुरी की जीत के बाद अखिलेश यादव गदगद नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने इटावा में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। अखिलेश ने जनता का धन्यवाद किया और कहा कि जसवंत नगर की जनता के बाद अगर किसी ने साथ दिया है तो वो है करहल के लोग, इसलिए आज मुलाकात कर उनको बधाई दी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सबको अपनी हकीकत का एहसास हो गया। जनता के पास जाकर के और समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोगों को जोड़ने का काम किया, उन कार्यकर्ता नेताओं से आज मुलाकात की, क्योंकि करहल विधानसभा ने अच्छे वोटों से समाजवादी पार्टी को जिताया। जसवंत नगर के बाद अगर किसी विधानसभा ने सबसे अच्छे वोट देकर के जिताया तो वो है करहल विधानसभा। और केवल अभी लोकसभा में नहीं, इससे पहले भी जब चुनाव था उस समय भी आम चुनाव में बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के आए थे और बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, उसके बाद भी जनता ने समाजवादी पार्टी को मदद की। तो वहीं झांसी में केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन की ओर से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सैकड़ों जैन समाज के हस्ताक्षर कर सौंपा गया, जिसमें जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थस्थल झारखंड में तपोभूमि शिखर जी को केंद्र सरकार ने 2019 में पर्यटक स्थल घोषित किया था, जो समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है, जिसको लेकर संपूर्ण भारत में आज धरना प्रदर्शन किया गया और पर्यटक स्थल न बनाए जाने की बात कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विवादित बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि भाजपा ने कहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान बेहद शर्मनाक और अपमानजनक है। इतना ही नहीं, भाजपा ने इस मुद्दे पर देश भर में प्रदर्शन करने का भी फैसला किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन को लेकर बताया कि राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ता पाकिस्तान और पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला भी फूंक रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज का दिन किस तरह से रहा, जो जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया। बिलावल भुट्टो के बयान पर भारत में जारी हंगामे का असर कानपुर देहात में भी नजर आया, जहां भाजपा ने प्रदर्शन करते हुए
बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका। इस प्रदर्शन के दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी जिलाध्यक्ष अविनाश सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल किया। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, हम सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के रूप में दुनिया में जाने जाते हैं, और इस लोकतंत्र का नेतृत्व 135 करोड़ भारतवासियों का नेतृत्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से अगर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया को दिया, उन्होंने कहा कि अब 21वीं सदी में बढ़ती दुनिया को आतंकवाद से मुक्त होना चाहिए, भाईचारे का संदेश भारत ने दिया, और हम हमेशा से शांति के ध्वजवाहक रहे हैं, अहिंसा के पुजारी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बदहाल स्थिति से गुजरता पाकिस्तान, जिस तरीके से आर्थिक कंगाली से गुजरता पाकिस्तान, जिस तरीके से आर्थिक दिवालियेपन से गुजरता पाकिस्तान, और उसके विदेश मंत्री की ओछी टिप्पणी, अपमानजनक भाषा उसके दिवालियेपन का द्योतक है। तो वहीं कानपुर देहात के चर्चित बलवंत हत्याकांड में शामिल दो और पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो गए हैं। विवेचना के दरमियान सामने आया तत्कालीन एसओजी सिपाही सोनू यादव और दुर्गेश को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि एसओजी प्रभारी सहित अब तक तीन आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। थाना रनिया पर पंजीकृत अपराध संख्या 30/22 जो श्री बलवंत सिंह की मृत्यु से संबंधित है, उस क्रम में अवगत कराना है कि आज दो और गिरफ्तारियां हुई हैं। ये गिरफ्तारी हुई है हेड कांस्टेबल दुर्वेश और हेड कांस्टेबल सोनू यादव की। दोनों ही तत्कालीन एसओजी में पोस्टेड थे और पूर्व में सस्पेंड कर दिए गए थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी के बड़े नेता, मंत्री और समर्थक पाकिस्तान पर हमलावर हैं। वहीं अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नाकामी छुपाने के लिए सरकार ऐसे मुद्दे ले आती है। तो वहीं विदेश दौरे पर गए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव के बयान पर आपत्ति जताते हुए उन्हें संभलने की नसीहत दी। माननीय अखिलेश जी का बयान निंदनीय है। हम जानते हैं माननीय अखिलेश जी बड़े नेता हैं और इससे कोई बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, और बिना मालूम है कि भारत एक वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो, बिना दुनिया के साथ एक साथ मिलकर बिना इंडस्ट्री लगाए उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बन सकता है। ऐसे समय में नेता विपक्ष का बयान ये बचकाना हरकत पैदा करता है। मैं निवेदन करूंगा कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी किसी न किसी देश का दौरा करें, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसी देश में जाकर वहाँ से इन्वेस्टर समिट के लिए लोगों को आमंत्रित करें और उत्तर प्रदेश का विकास के क्रम में सहयोग प्रदान करें। तो वहीं रायबरेली में कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा को रायबरेली शहर में जनसमर्थन मिला, और इस दौरान पूर्व मंत्री नकुल दुबे की अगुवाई में कांग्रेसी नेता शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा में सभी विधानसभाओं के प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया, और इस दौरान नकुल दुबे ने 2024 में कांग्रेस से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बताया। साथ ही पठान फिल्म के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को भाजपा का एजेंडा करार दिया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अखिलेश यादव को बहुत मुश्किल से अपना घर परिवार मिला है, पहले वो उसको देखें। हजार करोड़ होता है, कहीं लाख करोड़ होता है, हम लोग फिगर नहीं गिन पाते हैं। ये जो चल रहा है तमाशा चल रहा है, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान को और हमारे हिंदुस्तानी लोगों को कैसे नीचा दिखाया जाए। आपने नोटबंदी के समय में हम लोगों को काला धन वाला कह दिया था, जब 100% रुपया जमा हो गया और करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, तब भी आप शांत हो गए। उसके बाद आपने तीन काले कानून लाए, कितने लोगों की मौत हो गई,
लाइन में लग कितने लोगों की मौत हो गई, कोरोना में कितने लोगों की मौत हो गई, ऑक्सीजन कमी से कितने लोगों की मौत हो गई। तो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तानियों ने, सब लोगों ने हर चीज़ को बहुत करीब से देखा है। बदला लेने का समय आ रहा है, आइए हम सब लोग मिलकर के अपने देश को गुलामी की राह पर जाने से रोकें। तो वहीं पठान मूवी को लेकर सियासत गर्म है, जहां हिंदू धर्म गुरु भगवा के अपमान की बात कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। वहीं मां ध्यानमूर्ति ने पठान में भगवा के अपमान को लेकर कहा कि लगातार बॉलीवुड हिंदू धर्म का अपमान करता आ रहा है। वहीं मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरत अली खान ने कहा कि ऐसी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस समय पठान पिक्चर को लेकर और उसमें भगवा रंग को जो अपमानित किया गया है उसको लेकर पूरे देश में, संत समाज में आक्रोश है। इस समय हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन लोगों को जागरूक होकर ये सोचना चाहिए कि ये म्लेच्छ लोग हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का अपमान करते हुए हमें कहाँ लेकर के जा रहे हैं। आज़ादी के लिए विदेशी परंपरा से और इन म्लेच्छों से हमारे साधु संतों ने इतना संघर्ष किया है कि अपने प्राण हमेशा दाव पर लगाए हैं और लाखों लोगों ने अपने जीवन को दिया है अपने धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए। अब समय है, अब फिर से साधु संतों को हल्ला मचाना पड़े उससे अच्छा सरकार में बैठे हुए प्रबुद्ध लोग जागें और जो आप लोग हैं, जो आम जनता है, वो लोग अब जागृत हो और इस प्रकार अपनी संस्कृति के, अपने धर्म के, अपने देश के अपमान को होने से रोकें। देखें, ऐसा है कि पठान पिक्चर पे विरोध हो या ना विरोध हो, वो पिक्चर चले या ना चले, लेकिन मेरे देश की सरकार और कानून को ये सोचना चाहिए कि कौन आदमी ऐसा पैदा हो गया जिसने ये कह दिया कि अगर पठान पिक्चर दिखाई गई तो पिक्चर हालों को फूंक देंगे और जो देश की शांति और अमन के लिए खतरा बनेगा। मैं उस बंदे से कहता हूं कि ये भारत देश है, ये संविधान से चलता है, ये कानून से चलता है और यहाँ का पठान भी कानून से चलता है। पिक्चर की जितनी तुम्हें मुखालफत करना हो पिक्चर की मुखालफत करिए, लेकिन इस तरीके की धमकियों से ये हिंदुस्तान जो है, मेरा हिंदुस्तान इस तरीके की धमकियों को नहीं लेगा और तुमसे डरता नहीं है किसी से। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई है, साथ ही 2000 का अर्थदंड भी लगाया। आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में संजय सिंह गंगवार को सजा सुनाई गई। ये सजा जज प्रियंका रानी की एकल पीठ ने सुनाई है। तो वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर लगातार हल्ला बोल किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने आक्रोश रैली निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का वो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। पीएम मोदी लगातार वंशवाद के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, वहीं भुट्टो परिवार भी इसी की कड़ी है। बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो, ये एक वंश परंपरा और जिसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद के खिलाफ और तमाम प्रकार के जो परिवारवाद के खिलाफ जो देश के अंदर एक अभियान शुरू किया है वह भी इसके पोषक रहे हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इस प्रकार का बयान जहां 135 करोड़ भारतवासियों का अपमान है, वहीं पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीति है, पाकिस्तान जो खोखला होता जा रहा है, बर्बादी के कगार पर खड़ा है, वो अपने पाकिस्तान के अंदर इतनी बातों का ध्यान दिया होता तो उन्होंने इस प्रकार का बयान नहीं लेना पड़ता। हम बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहते। देहरादून पुलिस प्रवक्ता और एडीजी वी मुरुगेशन ने पीएचक्यू में पत्रकार वार्ता कर कहा कि अंकिता हत्याकांड को लेकर जांच कर रही एसआईटी ने चार्जशीट तैयार कर ली है। 100 गवाहों के बयानों के आधार पर तैयार 500 पन्नों की चार्जशीट को सोमवार को कोर्ट में दाखिल किया जाएगा
उन्होंने कहा कि 90 दिनों से पहले एसआईटी ने अंकिता हत्याकांड से जुड़े हर गवाह का बयान दर्ज किया, जिसमें सबूतों को भी अच्छे से जांचा गया है। देखिए, जो 19 तारीख को एक कंप्लेंट होती है पटवारी पुलिस में कि कुमारी अंकिता भंडारी है जो मिसिंग है, उस संबंध में पटवारी ने अपने एक रजिस्टर कराया, फिर उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा डीएम को कि इसको रेगुलर पुलिस में ट्रांसफर होना चाहिए। जो उसके बाद वो रेगुलर पुलिस में ट्रांसफर हुआ केस, रेगुलर पुलिस ने मौका मुआयना कराया, फिर वहाँ का रिसार्ट का स्टाफ को पूछताछ कराया, पूछताछ में पता चलता है कि वो जो मिसिंग गर्ल है वो 3 लोगों के साथ पहले दिन गई थी, वापस नहीं आई थी। उत्तराखंड कांग्रेस ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रधानमंत्री मोदी पर की गई असभ्य टिप्पणी पर विरोध जाहिर किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश चमोली ने कहा कि पहले इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जिससे वो आग बबूला हो उठा था, तो अब वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आपको बता दें कि यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर की फटकार के बाद बौखलाए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलते हुए अशोभनीय टिप्पणी की थी। बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत ने ऐसे प्रधानमंत्री दिए हैं, नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, जिस इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री हमारे। अगर पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र टिप्पणी करेगा तो कांग्रेस उसमें भी आक्रोशित जाहिर करेगी। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के बेशर्म रंग गाने को लेकर पूरे देश में बवाल बढ़ रहा है। इस गाने में भगवा वस्त्र पहने गए हैं, जिसको लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। भगवा वस्त्र के अपमान को लेकर साधु संतों में भी आक्रोश है। साधु संतों ने शाहरुख खान को हिंदू विरोधी बताया और मांग की है कि इस गाने से भगवा वस्त्र को हटाया जाए, नहीं तो साधु संत इसका कड़ा विरोध करेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविन्द्र पुरी ने कहा कि शाहरुख खान हमेशा ही हिंदू विरोधी रहे हैं, इनकी जितनी भी फिल्में बनाई जाती हैं उनमें हिंदुओं का अपमान किया जाता है। शाहरुख खान हमारे ऐसे स्टार है कि जो हमेशा हिंदुओं के विरोधी रहे हैं, उन्होंने जो भी फिल्म बनाई उनका जो भी काम है वो जो भारत के हिंदू है उनके विरोध में ही वो काम करते हैं। लेकिन हमें इसमें दिक्कत ये हुई है, जो दीपिका पादुकोण है वो हिंदू होकर के इनका साथ देती अच्छी बात नहीं है, इसलिए हमने इस फिल्म का विरोध किया, क्योंकि उसमें जो फिल्म में जो है भगवा रंग को दिखाया गया है, भगवा रंग में वो अश्लील हरकतें हो रही है, गाना हो रहा है, और गाना भी उस समय उनका जो इतना गंदा दिखाया जा रहा है बहुत ही मतलब बुरा, इसलिए इसका हमने विरोध किया हुआ है। जो सेंसर बोर्ड है इसके ऊपर एक्शन लेगा, अगर नहीं लेगा उसके बाद फिर हम लोग जो इनका पुरजोर विरोध हम करेंगे, पूरे भारत में इसका विरोध होगा। भगवा रंग खाली संतों का नहीं है, भगवा रंग हिंदुओं का है, और पूरा जो ये हिंदू समाज के विरोधी है, इसीलिए पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर के इनका विरोध कर रहा है, और आगे बहुत तेज विरोध होगा अगर इन्होंने ये सीन नहीं काटा तो। ये मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन ये आध्यात्मिक उस पे और ये भगवा कपड़ा पहने हुए जो उसमें गाना गा रहे हैं, ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म के बहुत खिलाफ है, और ये एक जो लोग हमारे धर्म के खिलाफ हैं वो लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। ये भगवा वस्त्र है, बहुत ही पवित्र और भगवान के द्वारा मिला हुआ वरदान है, इसलिए जो भगवा वस्त्र पहन करके कोई अश्लील हरकत करता है, अश्लील गाना रिकॉर्डिंग करवा रहा है, तो उससे जो है बहुत ही गलत मैसेज आता है समाज में, इसलिए अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से हम लोग इसकी निंदा करते हैं कि आगे के लिए इसके ऊपर जो है पूरा प्रतिबंध लगना चाहिए कि कोई भी भगवे कपड़े डाल करके या ऐसा धार्मिक लिबास धारण करके कोई अश्लील हरकत करे, कोई गाना गाए, ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार से इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगेगा तो संत समाज इसका जो है डट के विरोध करेगा। सभी जितने भी अदाकार हैं उनको हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी देह के खिलाफ, किसी भी विचारधारा के खिलाफ आप जो है आपत्तिजनक ऐसी अश्लील वीडियो तैयार करके, ऐसा गाना, जिस प्रकार के जो सीन जो है वो दायर ना करें,
और जिससे जो है लोगों की जो भावनाएं हैं वो भड़के, इसलिए सभी के साथ सदाचार बना करके रखना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी एपिसोड, इस प्रकार का कोई भी जो है सीन नहीं होना चाहिए, जिससे कि लोगों का जो है मनोबल और लोगों की भावनाएं आहत हो। तो वहीं यूपी सरकार के जेल राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने प्रतापगढ़ जिला कारागार का दौरा किया और इस दौरान जेल में बंद कैदियों से जेल राज्य मंत्री ने सीधा संवाद किया और बंदियों को भविष्य में दोबारा अपराध न करने की शपथ दिलाई और बंदियों को उनके परिवार वालों से भी बात कराई। मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री की ओर से भारत के प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान देने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की निंदा भी की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।